अभी दिख रहा है स्क्रीन, एवरीवन कैन सी माय स्क्रीन? तो पहले दिख रहा था, अभी वो बफरिंग है। हाँ सर, अभी दिख रहा है, अभी आया। तो नाउ वी ओके, नाउ वी कंटिन्यू विद, यस्टरडे हम लोग रुके थे इंडस्ट्रियल पे, अभी हम लोग आते हैं मैनेजमेंट स्टडीज। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड वेरियस फैक्टर्स इन्वॉल्व involved in the chain of production, such means of production are called as human resources and process of production, as well as the chain of market and sales management, etc. It is essential to have a knowledge similar to function system of the past. It is essential to understand the psychological character of people working at various levels in the chain of production and marketing for healthy management. In order to achieve it, understanding of the social and economical institutions that support the industrial and commercial process is important. Knowledge of history in this regard makes the management at various level easy. अभी management studies मतलब क्या? जैसा ही नाम बोलता है, to manage something, ठीक है? अभी हम लोग trade करते हैं, ठीक है? अब अभी देख, management studies सबसे best है, हम तुम लोग classes कर सकते हैं। मैंने मैंने Alfred sir ने हर बच्चों के लिए अलग अलग time में रख लिया, तो सब हम सब बच्चे लोगों को manage कर रहे। अगर हम लोग सब जितने भी 8th स्टैंडर्ड 9th स्टैंडर्ड 10th स्टैंडर्ड सबको एक ही ग्रुप में डालते हैं और एक ही ग्रुप में बोलते हैं कि तुम लोग का लेक्चर है, तुम लोग को मालूम होता है कौन से घंटे में कौन सा लेक्चर है, नहीं, ठीक है? हम लोग तुम लोग को प्रॉपरली एक एक घंटे बाद मैनेज कर रहे, इसलिए तुम लोग को मालूम, तुम लोग का इजिली जा रहा है, ठीक है? तो मैनेजिंग अ थिंग, मैनेज करने से क्या होता है, हम लोग का सब काम इजी हो जाता है, ठीक है? अगर अगर हम लोग होमवर्क भी करेंगे, ठीक है, अगर अगर तुम लोग को 10 पेजेस लिखने के हैं, ठीक है, अगर तुम लोग 10 पेजेस को हर हर दिन में तुम लोग दो दो पेज लिख के मैनेज करेंगे, तुम लोग का 10 पेज जल्दी हो जाएगा, ठीक है? पर अगर तुम लोग बिना मैनेज करे सीधा आखिरी दिन तक रुकेगे बाकी का पूरा 10 पेज लिखने का, तो होएगा क्या तुम लोग का, ठीक है? तो मैनेजमेंट का मतलब क्या, मैनेजमेंट किसके लिए मदद करता है, तुम लोग के हर काम तुम लोग को इजी करने के लिए मैनेजमेंट स्टडीज मदद करता है, ओके? एंड इट आल्सो हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। नाउ व्हाट इज साइकोलॉजी ऑफ अ ह्यूमन बीइंग? बेसिकली देख, अगर तू किसी शादीशुदा आदमी के घर पे जाएगा, क्या शादीशुदा आदमी का नहीं, ठीक है, उसका प्रॉपर उसका प्रॉपर उसके घर में जो भी सब एकदम प्रॉपरली रखा रहेगा, पर तू अगर एक बैचलर के घर पे जाएगा, ठीक है, उसका पूरा रूम बिखरा हुआ रहेगा, क्योंकि वो अकेला रहता है, तेरे को साइकोलॉजी समझता है, बैचलर्स और शादीशुदा आदमी का दोनों का साइकोलॉजिकल कैरेक्टर अलग है, तो वो दोनों चीज को मैनेज करने का इज कॉल्ड एज मैनेजमेंट स्टडीज। सबको समझा व्हाट इज मैनेजमेंट स्टडीज? इज इट क्लियर? हां सर, बेसिकली इसके पहले का टॉपिक आपने इंडस्ट्री एंड कॉमर्स सर, इसके पहले कुछ लिखा है? नहीं, इसके पहले कुछ नहीं लिखा था, इसके पहले टॉपिक क्या था, ये इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। क्या रहता है, द स्टडी ऑफ, नहीं नहीं कुछ नहीं लिखना, ये तुम लोगों को नोट्स में, तो अभी कुछ लिखा रहा नहीं। आर्ट्स का हिस्ट्री कैसे हो सकता है? आर्ट्स इट इज, अरे बता रहा है ना, मैं टेल यू, arts it is important to understand the development of various art forms with the help of their style of expression and their foundation in the form of intellectual, emotional, cultural tradition. The key to expression in any art form, emotional temperament of artist and the development history of the respective art can be understood with the help of cultural history. ठीक है, अभी ओमकार का क्वेश्चन क्या था, आर्ट से हम लोग हिस्ट्री कैसे समझते हैं, ठीक है? तो देख, जो प्लेस था पहले का, ठीक है, हम लोग को अभी हम लोग को मालूम होता है कि प्लेस नाटक करके कुछ चीज होता है कि अगर हम लोग विलियम शेक्सपियर को नहीं पढ़ते थे, नहीं, हम लोग को मालूम ही नहीं होता था ऐसा करके कोई चीज था, ठीक है? पहले सबसे, तो हम लोग का सबसे पहला कॉमेडियन को होता, चार्ली चैपलिन। अगर चार्ली चैपलिन कभी अपना कॉमेडी करता नहीं, तो हम लोग को मालूम होता था कॉमेडी करके एक ऐसा पार्ट रहता है हिस्ट्री में, नहीं, ठीक है? तो ये सब हम लोग किससे सीखते हैं, हम लोग चार्ली चैपलिन या हम लोग पुराने हिस्ट्री से सीखते, फिर हम लोग जाके अभी हम लोग उसको अप्लाई करते हैं, ठीक है? A lot can be understood by cultural history. जो पेंटिंग्स रहते हैं उसमें से बराबर, केस में जो पेंटिंग, अभी
बराबर। अभी अभी ह्यूमन बीइंग भी जब पेंटिंग करते हैं ऑब्वियसली हम लोग को सीखना पड़ता है ना किधर से, हम लोग जो बेसिक्स रहता है हम लोग किधर सीखते हैं, हम लोग वही जो केस में जो मैप पर उसमें जो उस पर जो वो लोग नहीं किया उधर से हम लोग ने सीखे, हम लोग अभी करते रहे, हम लोग जो आगे करेंगे वो भी हम लोग का जो बेसिक है जो हम लोग को हिस्ट्री से मिला हम लोग उधर ही उधर से सीख रहे और अभी हम लोग करेंटली अप्लाई करते हैं। ठीक है, बेसिकली एक और एग्जाम्पल दू तो हम लोग जो पढ़ते हैं अभी, मैं जो बोल रहा हूँ तुम लोग को क्यों समझ रहा है, क्योंकि जब तुम लोग छोटे थे तभी तुम लोग ने ये लैंग्वेज पढ़ा था, हिंदी पढ़ा था, इंग्लिश पढ़ा था। ठीक है, तो अभी मैं जो तुम लोग को सिखा रहा हूँ वो तुम लोग अप्लाई करो, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ हिस्ट्री। समझा आर्ट्स का पार्ट, समझा तुम लोग को एवरीवन? एनी डाउट्स इन दिस? नेक्स्ट इज ह्यूमैनिटी। हाँ बोल सर। ट्राइबल आर्ट जो जिसका कुछ प्रूफ नहीं रहता पर वो पास थ्रू हो रहा है वो भी इसमें आएगा? हाँ, वो भी इसमें। ट्राइबल आर्ट का एक एग्जांपल है वारली पेंटिंग, वारली पेंटिंग इज एन एग्जांपल ऑफ ट्राइबल आर्ट। ओके, हमारे घर में नेक्स्ट इज वेरी गुड, मेरे घर में भी ऐसा बना, मैंने ही बना। ठीक है, नेक्स्ट इज ह्यूमैनिटीज। नाउ व्हाट इज ह्यूमैनिटीज? ह्यूमैनिटीज इंक्लूड डिसिप्लिन्स लाइक हिस्ट्री, आर्कियोलॉजी, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स एक्सेट्रा। टू अंडरस्टैंड हिस्ट्री ऑफ ओरिजिन एंड डेवलपमेंट दिस डिसिप्लिन्स इज एसेंशियल इन पार्ट ऑफ ऑल डिसिप्लिन्स एंड दे आर सपोज टू हैव देयर ओरिजिन इन फिलोसफी। एंशियंट पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड ट्राई टू स्पेक्युलेट इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन यूनिवर्स एंड ह्यूमन एक्सिस्टेंस। इट गेव राइज टू वेरियस मिथोलॉजिकल स्टोरीज अबाउट द ओरिजिन ऑफ दिस वर्ल्ड, the universal order, human life, gods and goddesses, rituals and their philosophical explanation. Basically कैसा रहता है, हम लोग एक एक रूल फॉलो करते हैं। बराबर, हम लोग जब पढ़ने बैठता है, जब तुम लोग लेक्चर बैठे तब तुम लोग को पढ़ने या तुम लोग और कुछ ज्यादा काम नहीं कर सकते, तो ये तुम लोग डिसिप्लिन फॉलो करना होता है, रूल्स फॉलो करना होता है। ठीक है, पर ऐसे कुछ जन रहते हैं जिंदगी में जो ये रूल्स को क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, बेसिकली वो लोग बोलते हैं कि यू नो दी यूनिवर्स कैसा बना, किसको मालूम है कि यूनिवर्स कैसा बना, हम लोग को क्या बोलते हैं, हम लोग को भगवान ने बनाया। ठीक है, भगवान ने ह्यूमन बींग्स को बनाया, पर किसको मालूम, कोई था क्या, भगवान ने जब बनाया था तो कोई था क्या भगवान के बाजू में हम लोग को देखने के लिए, नहीं। ठीक है, कुछ लोग बोलते हैं हम लोग एनिमल से डेवलप हुए, मतलब पहले बंदर था, बंदर से आदमी बना और फिर हम लोग ऐसा। ठीक है, ये कुछ लोग बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं हम लोग एक सिमुलेशन में रह रहे हैं। सिमुलेशन मतलब हम लोग अभी जो जिंदगी जी रहे हैं ना वो एक वीडियो गेम टाइप है जो हम लोग जो एलियंस खेल रहे हैं हम लोग। ठीक है, बेसिकली ये सब सिमुलेशन है, ये सब लिखा हुआ है, तो सब सबका अलग अलग आइडियाज रहता है, अलग अलग मिथोलॉजिकल स्टोरी रहता है, वो एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल रहता है। ऑल डिसिप्लिन्स आर सपोज्ड टू हैव देयर ओरिजिन इन फिलोसफी। एंशिएंट पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड ट्राई टू स्पेक्युलेट इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड बिटवीन यूनिवर्स एंड ह्यूमन एक्जिस्टेंस। तो ये बेसिकली सेम है। ठीक है, द ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स, ह्यूमन लाइफ, गॉड्स एंड गॉडेसेस, रिचुअल्स एंड देयर फिलोसॉफिकल एक्सप्लेनेशन, ये सब दुनिया में है। ठीक है, अभी इसको बिलीव करना कि इसको नहीं बिलीव करना ये अपने हाथ में। ठीक है, अगर हम लोग बिलीव करते हैं भगवान है तो हम लोग के लिए भगवान है, अगर हम लोग नहीं बिलीव करते भगवान नहीं है तो भगवान नहीं, तो ये सब हम लोग के हाथ में। वी कैन इधर बिलीव दिस और इधर वी कैन नॉट बिलीव दिस। एवरी अंडरस्टूड? सबको समझा? क्लियर है? सबसे क्लियर है। नेक्स्ट, ओके, अप्लाइड हिस्ट्री एंड नाउ प्रेजेंट। नाउ प्रेजेंट मतलब गिफ्ट वाला प्रेजेंट है, उधर फोटो दिया मतलब प्रेजेंट है, प्रेजेंट मतलब नाउ, अभी का जो जमाना है दैट इज कॉल्ड एज प्रेजेंट। ओके, people often ask the practical value of history. The answer to the question about the nature of applied history answers this question as well. The visible and invisible relics of the past exist in the present. We nurture some kind of curiosity, attraction towards them. We wish to know more about their history because they represent the creative thoughts and tradition of our ancestors. It is a heritage. It helps in building our identity. The history of the heritage links us with our origin. बेसिकली वो लोग पूछते हैं कि हम लोग को हिस्ट्री अभी के जमाने में कैसा अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो दो टाइप के हिस्ट्री रहते हैं, विजिबल एंड विजिबल मतलब हम लोग को मालूम है, बेसिकली अजंता एलोरा केव्स वो देख के हम लोग के मन में क्यूरियोसिटी होता है। बराबर, अगर हम लोग केव्स में आएंगे तो हम लोग को उसके बारे में और जानने का, तो बेसिकली दैट इज अप्लाइड हिस्ट्री। ठीक है, नाउ वी कम टू कल्चरल हेरिटेज। ओके, इट इज इन अ फॉर्म ऑफ ह्यूमन क्रिएशन, आवर हिस्ट्री, आवर हेरिटेज हैज टू टाइप्स, वन टाइप इज टैंजेबल हिस्ट्री, वन टाइप इज इनटैंजेबल। ठीक है, तो ये लाइन लिख सकते हैं तुम लोग, हिस्ट्री इज ऑफ टू टाइप्स, टैंजेबल एंड इनटैंजेबल। फिर मैं तुम लोग को बताता हूँ व्हाट इज टैंजेबल, व्हाट इज इनटैंजेबल। एक बार लिख के हो गया तो मेरे को बता दो। सर, हेडिंग कल्चरल हेरिटेज के बाद में ये डालना है ना? बराबर, कल्चर हेरिटेज लिखो, ये पूरा लिख दो, चाहिए तो पूरा लिखो, इज द सेम। लास्ट में लिखो, देयर आर टू टाइप्स ऑफ कल्चरल हेरिटेज, वन इज टैंजेबल एंड वन इज इनटैंजेबल।
हो गया सर, आपका हो गया। यस सर। सही, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में ऐसे फ्लैग्स रहते हैं ना कुछ? बराबर, ये ऐसा जो लद्दाख जाते हैं ना बाइक पे घूमने के लिए, वो लोग उड़ा के आते हैं। नॉर्थ ईस्ट साइड में ऐसे इस टाइप के फ्लैग रहते हैं। ओके, हो गया सबका लिख के एवरीवन, कैन आई गो अहेड? यस सर। नेक्स्ट। ओके, द फर्स्ट इज टैंजिबल कल्चर हेरिटेज। ओके, सो नाउ व्हाट इज टैंजिबल? एनीथिंग दैट यू ऑल कैन सी एंड टच इन योर लाइफ इज कॉल्ड एज अ टैंजिबल ऑब्जेक्ट। जो भी तुम लोग देख सकते हो, जो भी तुम लोग छू सकते हो अपने हाथ से, इज कॉल्ड एज टैंजिबल ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, एंशियंट साइट, एंशियंट साइट बेसिकली सर केव, अजंत एलोरा केव, तुम लोग जाके तुम लोग केव के अंदर जा सकते हो, तुम लोग केव को टच कर सकते हो, दोस आर कॉल्ड एज टैंजिबल। बिल्डिंग्स, आर्टिफैक्ट्स, आर्टिफैक्ट्स मतलब पेंटिंग्स, मैन्यूस्क्रिप्ट, मैन्यूस्क्रिप्ट मतलब ऐसा जो पेजेस रहते हैं ना बाजू में, जो मैन्यूस्क्रिप्ट है पुराने जमाने का मैन्यूस्क्रिप्ट वैसा, स्कल्पचर्स एंड पेंटिंग्स, दीज ऑल कम अंडर व्हाट? टैंजिबल कल्चर। बेसिकली वो सब चीज जो तुम लोग देख के टच कर सकते हो, फील कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड एज टैंजिबल। समझे सबको व्हाट इज टैंजिबल? एवरीवन हाँ सर, लिख लो लिख लो। सर वो चीजें जो आवाज आ रहा है सब, हेलो हेलो हेलो, मेरा आवाज आ रहा है? हाँ सर। हाँ बोल बोल, बोला बोल। सर वो चीजें जो एक्सेस करते हैं हम जानते हैं, पर उनका स्ट्रॉन्ग प्रूफ नहीं है, वो भी टेंजिबल में आएंगे। क्या क्या मतलब समझा नहीं, वापिस बोल। मतलब जैसे कि हम डायनासोर बहुत कुछ जानते हैं, पर उनका ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्रूफ नहीं है वैसे। वो मैं तेरे को बताता था, वो नेक्स्ट प्रूफ थी, है वो तेरे को ना, बताता है क्या स्ट्रॉन्ग प्रूफ है ना, उसका बोन से उसका उसका वो सब। बोन है, उसका तो बोन हम लोग देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, तो वो हम लोग बोल सकते हैं दैट इट इज क्या बोल सकते हैं, इट इज टेंजिबल सर पर सब कल्चर। स्पीशीज का नहीं है ना? हाँ, सब स्पीशीज का नहीं है, पर डायनासोर का जो है, डायनासोर का हम लोग ने देखा है, डायनासोर का फॉसिल देखा है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि इट्स अ टैंजिबल। इसके नेक्स्ट वाला देखो बात है तो समझ जाएगा। हो गया सर लिख के। हाँ हो गया लिख के सबका? सर। ओके, सो बेसिकली जो जो चीज हम लोग टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, इट्स कॉल्ड एज टैंजिबल। एंड उसको ऑपोजिट है इनटैंजिबल, मतलब जो हम लोग नहीं देख सकते। ओके, जो विच इज पास्ड ऑन बाय वर्ड ऑफ माउथ, फॉर एग्जाम्पल ओरल ट्रेडिशन। ओके, जो जो हम लोग स्टोरीज सुनते हैं, दैट इज अ टाइप ऑफ इनटैंजिबल। ठीक है, अभी जो एग्जाम्पल दिया था ओमकार ने डायनासोर का, देख, हाँ डायनासोर का हम लोग, अगर तू मेरे को बोलेगा डायनासोर था, ठीक है, और मैंने बोन्स देखा है, तो मैं बोल सकता है टैंजिबल है। पर अगर तू मेरे को बोला एक स्पीशीज ऑफ डायनासोर था जो मैंने नहीं देखा है, तो मैं बोल सकता हूँ इनटैंजिबल है। ओके, रिचुअल्स, रिचुअल्स जो हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, दैट इज ऑल्सो इनटैंजिबल। हम लोग रिचुअल को हाथ में लेके घूम सकते क्या? नहीं, वी हैव टू प्रैक्टिस इट, दैट इज इनटैंजिबल। ओके, स्टाइल्स ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट, सर्टेन ट्रेडिशन, स्किल्स, जो स्किल्स रहते हैं, हम लोग अपने स्किल्स को टच कर सकते क्या? नहीं, स्किल्स हम लोग के अंदर कुछ रहता है, ऑल दिस कम्स अंडर इनटैंजिबल का, इनटैंजिबल कल्चर है। ठीक है, इतना है। सर ये पूरा लिखना है? हाँ पूरा लिख, तो बेसिकली सब एग्जांपल दिए जो भी नीचे दिए ना, सब एग्जांपल। सर पर ट्रेडिशनल नॉलेज है ना, उसका तो प्रूफ भी रह सकता है ना, कोई ग्रंथ या एपिक वगैरह। कौन सा ट्रेडिशनल नॉलेज? ट्रेडिशनल जो नॉलेज है। हाँ जो ट्रेडिशनल नॉलेज अगर देखो वो जो बुक्स में रहेगा तो वो टैंजिबल होएगा, पर ये ट्रेडिशनल नॉलेज विच इज पास्ड ऑन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, दैट इज कॉल्ड एज इनटैंजिबल। बेसिकली तेरे 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 मॉम डैड देखो, तेरे दादाजी का या दादी जी का जो स्टोरी बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज ट्रेडिशनल नॉलेज। वो लोग जब बोलते रहे, जब वो लोग छोटे थे, वो लोग ऐसे घर में रहते थे, वो उनका ट्रेडिशनल नॉलेज था। वो लोग दिवाली ऐसे मनाते थे, क्रिसमस ऐसे मनाते थे, तो वो दैट इज देयर ट्रेडिशनल नॉलेज, वो तुम लोग को फॉरवर्ड कर रहे, तो वो लोग ने लिख के नहीं बता रहे ना तुम लोग, वो तुम लोग को मुंह से बोल रहे, सो दैट इज कॉल्ड एज इनटैंजिबल कल्चर। सर डाउट है, बोलना। अभी जो वो एक ग्रीक का एक पोएट था जो जिसने दो इलियड एंड द ओडिसी वो सब ओरल ट्रेडिशंस में बोलता था, फिर बाद में एक बड़े पोएट ने उसको एक बुक में शेप दिया,
तो फिर उसको क्या बोले, टेंजिबल बोलेंगे इंटेंजिबल बोलेंगे? पर अभी तो वो बुक में है ना। हाँ तो देख अभी अभी देख, अगर वो बुक ठीक है, इसको वो बुक को, बुक इज ऑब्वियसली अ टेंजिबल ऑब्जेक्ट, बट वो बुक, वो जो जिसने पोएट ने लिखा है उसने लिखा है क्या नहीं, ठीक है, तो हिस्टोरिकली दैट इज नॉट अ टेंजिबल ऑब्जेक्ट, बिकॉज वो जिसने ओरिजिन लिखा है उसने नहीं लिखा है, ठीक है। इवन विलियम शेक्सपियर, विलियम शेक्सपियर का बुक्स उसने खुद बैठ के नहीं लिखा, लोगों ने उसका उसको कॉपी करके उसका बुक्स लिखा, ठीक है। विलियम शेक्सपियर ने कोई भी बुक नहीं लिखा है, he just showed the play, वो प्ले से लोगों ने बुक लिखा। अभी अभी वो बुक से आप लोग ने नया पिक्चर आया था हैदर करके, हैदर इज वॉट एन इनटेंजिबल ऑब्जेक्ट और टेंजिबल ऑब्जेक्ट, इनटेंजिबल। हम लोग मूवी देख सकते, हम लोग मूवी में घुस के शायद कभी टच कर सकते क्या नहीं, ओके, सो दैट इज इनटेंजिबल। हो गया सबका लिख के? यस सर। नेक्स्ट वी गो टू नेचुरल हेरिटेज, ओके। नाउ व्हाट इज नेचुरल हेरिटेज? द कॉन्सेप्ट ऑफ नेचुरल हेरिटेज गिव्स इंपॉर्टेंस टू दैट ऑफ बायोडायवर्सिटी। इट इंक्लूड्स द फॉलोइंग थिंग्स: फोना, फ्लोरा, इकोलॉजी। फोना एंड फ्लावर मतलब फ्लावर्स, एंड इकोलॉजी मतलब अपना एनवायरमेंट। And geomorphic characteristic, which is crucial for sustaining the flora and fauna of a particular region. For basically natural heritage मतलब एक example दो, तुम जो हम लोग side पे आते हैं महाबलेश्वर माथेरन, those can be termed as a natural heritage. Why? Because उधर उधर तुम लोग देखते क्या लोग जो उधर forest forest तोड़ के building बना रहे हैं, नहीं। Why? Because that place is known for their beauty, their flowers and their natural their ecology. उधर कितना ठंड है, there are you know facts like एको माउंटेन, उधर जाके एको पॉइंट बोलते हैं, एको ऐसा एको चिल्लाएगा तुम लोगों को वापस तुम लोगों का नाम सुनने को मिलेगा। सो दीस प्लेसेस आर कॉल्ड एज नेचुरल हेरिटेज व्हिच इज फेमस फॉर देयर फ्लावर्स एंड द एनवायरनमेंट। समझो व्हाट इज नेचुरल हेरिटेज एवरीवन? यस सर। सर सुंदरबन भी एक एग्जांपल है ना? बराबर, सुंदरबन आल्सो एग्जांपल। सो दीस प्लेसेस आर नोन फॉर देयर एनवायरनमेंट एंड देयर ब्यूटी, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एज अ नेचुरल हेरिटेज। तो जो मार्क किया उतना लिख सकते हो। Flora and fauna is meaning flowers, and ecology means environment. एक बार हो गया तो वेलकम टाइम में, ओके। तो फौना का मतलब एनिमल्स रहता है? हाँ, एनिमल्स कौन से एनिमल्स? जो अभी एनिमल, अगर तू झाड़ काटेगा तो एनिमल्स थोड़ी आके रहेंगे वहां पे, बराबर। तो उसका उसका मेन मेन मतलब तो बोल सकते हैं एनिमल्स रहेगा, पर उसका मेन जो सेंटेंस रहता है इट्स अहेड, इट्स अराउंड प्लांट्स, क्योंकि अगर तू वो झाड़ ही काटेगा तो एनिमल्स को रहने को जगह ही नहीं मिलेगा ना। तो फौना, बिकॉज नॉट ऑल एनिमल्स लिव इन द फॉरेस्ट, कुछ एनिमल्स रहते हैं जो जमीन पे भी रहते हो। दीज एनिमल्स आर बेसिकली जो स्क्विरल विरल रहते हैं, जो प्लांट्स पे ही ग्रो होते, प्लांट्स पे रहते, दोस कैन आल्सो कम अंडर फौना। हो गया सबका, हो गया लिख के? हाँ सर, हाँ सर। ओके, आई विल वेट फॉर अनदर 2 मिनट्स। तो पूरा लिखना था ना नीचे का भी? नहीं नहीं सिर्फ इकोलॉजी तक लिखना था। हाँ डन एवरीवन, खुशी हो गया लिख के? हाँ सर।
आज कौन एब्सेंट है? अमरेश एब्सेंट है और वेदांत एब्सेंट है और प्रणव एब्सेंट है, बराबर। इट इज एसेंशियल फॉर द बेनिफिट ऑफ फ्यूचर फॉर द जनरेशन टू प्रिजर्व द हेरिटेज। यूनेस्को द ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन हैज अनाउंस some directives with the objective of promoting the culture and natural heritage. On the basis of those directives, list of sites and traditions are declared as world heritage sites. So there are some sites which are declared as world heritage site. For example, apna Taj Mahal. Okay. On ये Taj Mahal world heritage क्योंकि वो declare किया क्योंकि पूरे world से लोग इधर आके तो पर world heritage site तो ये रहते हैं ना mostly forests. सर वो सेवन वंडर्स ऑफ वर्ल्ड में ताजमहल। हाँ तो नहीं नहीं आई एम टेलिंग यू सी वर्ल्ड हेरिटेज साइट इज डज नॉट ओनली मीन फॉरेस्ट टू रहता है बिकॉज़ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स आर दोज एरियाज जिसको जो गवर्नमेंट है वो प्रोटेक्ट करता है। ओके सो ताजमहल इट कैन बी फॉरेस्ट ऑल्सो बट वर्ल्ड हेरिटेज साइट टेक इंडिया फॉरेस्ट को वर्ल्ड क्यू बचाएगा बराबर। इंडियन फॉरेस्ट को ऑब्वियसली इंडियन गवर्नमेंट ही बचाएगा बट ताजमहल इज वन ऑफ नोन एज वर्ल्ड वन वन ऑफ सेवन वंडर इट इज टर्म्ड एज वर्ल्ड हेरिटेज साइट बिकॉज़ पूरे वर्ल्ड से लोग आते हैं ताजमहल को देखने के। ओके नाउ दीज साइट्स आर कम अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ यूनेस्को। यूनेस्को का फुल फॉर्म लिखा है बाजू में यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन का फुल फॉर्म लिख लो तुम लोग। तो ये क्या करता है ये पैसा ऑर्गेनाइज करता है फॉर द सेफ्टी ऑफ दिस एरियाज। ओके इवन फॉरेस्ट आते हैं इवन फॉरेस्ट बट इंडिया में सबसे ज्यादा वर्ल्ड बिगेस्ट वर्ल्ड हेरिटेज साइट इज द ताजमहल बिकॉज ऑब्वियसली ताजमहल अगर तुमने अभी जाके देखेंगे तो क्या हो गया था वो इट्स बिकम इट्स टर्निंग डार्क इन कलर व्हाई बिकॉज ऑफ द पोल्यूशन। तो उसको बचाने के लिए पीपल आर लिटरली पेइंग मनी बिकॉज पूरे वर्ल्ड से एवरीथिंग अगर ताजमहल टूट जाएगा तो दुनिया से लोग आएंगे ताजमहल को देखने को नहीं। तो दिस यूनेस्को इज प्रोटेक्टिंग ताजमहल एंड इट नो डेवलपिंग इट बेटर बिकॉज पीपल कैन ऑल्सो कम एंड एंजॉय। ओके जो उनका तूने बोला फॉरेस्ट ऑल्सो कम्स अंडर वर्ल्ड हेरिटेज साइट बट इंडिया में सबसे बड़ा वर्ल्ड हेरिटेज साइट इज ताजमहल टिल नाउ। जैसे वो यूनेस्को फुल फॉर्म लिखना है ना और कुछ नहीं है। हां यूनेस्को का फुल फॉर्म लिखो बस। और कोई तुम लोग मेरे को बता सकते हो वर्ल्ड हेरिटेज साइट एनी अदर वन सर सुंदरबन और बोलो इंडिया के बाहर का मेरे को बोलो। तो माउंट फूजी है ना माउंट फूजी इवन हिमालयस कम अंडर दिस। ठीक है हो गया सबका लिख के कहना है पहले को हेड। यस सर द लिस्ट ऑफ यूनेस्कोस वर्ल्ड नेचुरल हेरिटेज नाउ इंक्लूड्स दिस द मोस्ट रीसेंट द कास प्लेटो इन द डिस्ट्रिक्ट सातारा। ओके इट इज आल्सो अ पार्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट। तो दिस इज अ कास प्लेटो which is Satara district man it is one of the most recent places which is added on the world natural heritage site of UNESCO. okay so this is a plateau and this has you know different colors of flowers so tum log khud dekh sakte hai kitna beautiful dikh raha hai mere ko batane ka zarurat nahi itna beautiful dikh raha hai par abhi tum log mere ko batao every place which is beautiful human beings jaake usko barbaad karte hai. okay so this place when it comes under UNESCO takes part तो दे सी दैट दिस प्लेस इज अनाउंड मतलब ये लोग जाके इसको बर्बाद नहीं कर रहे एंड द इकोलॉजी द फ्लोरा फाउना एंड द इकोलॉजी ऑफ दिस प्लेस इज केप्ट प्रॉपर। समझा तुम लोगों को व्हाट इज वर्ल्ड नेचुरल हेरिटेज साइट एवरीवन इज दिस साइट इज दिस पार्ट क्लियर। ठीक है ये पॉइंट लिख सकते हो। हां बोल सर ये उस दिन ना न्यूज़ पे दिखा रहे थे सर सेम यही सर बराबर इट्स सो ब्यूटीफुल। अगर तुम लोगों को हो सकता है जाने को तुम लोग जवान जो लेफ्ट साइड का पिक्चर है वो रेनी सीजन में ही लिया तुम लोग रेनी सीजन में देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। और ये पूरा क्या कैन यू से अगेन सर बोलते हैं ना आवाज नहीं आ रहा तेरा कुछ वापस बोलना सर उसे कास पठार बोलते हैं ना बराबर कास पठार so these are known as world natural heritage sites kyun bol mein dekh agar if human being jayega hum log normal kya karenge idhar bole picnic jane ko picnic ke liye jayega hum log idhar hi kha ke idhar hi baaju mein phek ke hum log nikal jayega so obviously wo ganda ho jayega so to prevent that UNESCO has put some rules ke hum log ko follow karna padta hai jab hum log idhar jaate let me know so UNESCO country se hi ye karta hai na jama karta hai बराबर मतलब कंट्री से नहीं देखते मतलब उसी कंट्री से या सब कंट्री से
उसी कंट्री से, मतलब अभी ताजमहल, ताजमहल में अगर देखो जाने को तेरे को एक कुछ अमाउंट भरना पड़ेगा सिर्फ 50 रुपीज, तो वो 50 रुपीज यूनेस्को के पास जाता है, और वो जो पूरा जो पैसा आता है वो किसके लिए आता है, वही ताजमहल के बिल्डिंग के लिए आता है, मतलब उसको उसका प्रिवेंशन के लिए आता है। और उसके यूनेस्को क्या करता है, ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट रहता है ना, उसके बाहर वो थोड़े ये जमा करता है, क्या बोल सकते हैं, स्टॉल्स या कुछ गिफ्ट शॉप्स, तो वो गिफ्ट शॉप से जो पैसा आता है वो पैसा किसके आता है, पहला तो प्रोटेक्शन के, दूसरा जो लोग काम करते हैं वर्ल्ड हेरिटेज साइट पे उन लोग के सैलरी के लिए। सर इसके पहले कुछ लिखा था क्या? नहीं, कुछ नहीं लिखा था, सीबीआई लिखा था, ये चार लाइन लिखी है सर। एक मिनट, इसके बाद लेक्चर है ना, किसका कोई है क्या इसका लेक्चर? सबका हो गया लिख के? नितिन लिख रहा है, नितिन लिख, नहीं सर नितिन तेरा हो गया? हाँ तेरा हो गया तो बता दे, ठीक है। इधर तक सबको समझ रहा है? इजी है इधर तक गाइस? वी ट्राई टू फिनिश दिस चैप्टर आज ही, देखते हैं और कितना बाकी है, और 15 मिनट में हो जाएगा मेरे हिसाब से, बट लेट्स एक सेकंड सर, अभी बस वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के नेम है ना और इंफॉर्मेशन, क्या क्या वापस बोल, अभी बस वर्ल्ड हेरिटेज इंफॉर्मेशन ही बाकी है ना हमारा। हां हो गया, और दो तीन स्लाइड ही बचा, ठीक है। नेक्स्ट इज कल्चरल एंड नेचुरल हेरिटेज मैनेजमेंट। अभी ये जगह को मैनेज करना पड़ेगा ना, ऑब्वियसली हम इसी बोलते हैं तो उनको मैनेज तो करना पड़ेगा, ठीक है। इट इज वन ऑफ द मेन एस्पेक्ट्स ऑफ अप्लाइड हिस्ट्री, द वर्क ऑफ कंजर्वेशन। अभी हाँ ये बेसिकली सुनो, ठीक है। क्या होता था पुराने जमाने में ना, अभी हम लोग ने जो केव्स देखे, ठीक है, जो केव्स देखे पुराने जमाने में इतने ही केव्स थे कि अजंता एलोरा में कितना, एनीवन उस कितना टोटल केव्स है अजंता एलोरा में, एनीवन? 27 ना, हाँ 27-28, ठीक है। तो तुम लोगों को लगता है सिर्फ 27-28 केव्स रहेगा, उससे ज्यादा केव्स नहीं था क्या तुम लोगों के हिसाब से? नहीं, उससे ज्यादा केव्स थे, पर क्या हो गया, उसको किसने मेंटेन नहीं किया, इसीलिए वो केव्स टूट गए, ठीक है। तो हम लोग को मालूम है कि हम लोग अगर अभी जो है अपने पास है, अगर वो अपन मेंटेन नहीं करेगा ऑब्वियसली वो भी टूटने वाला है, इसीलिए हम लोग को जो हिस्ट्री से हम लोग ने सीखा, हम लोग को मालूम है, हम लोग को वो चीज नहीं दोहराने का, इसीलिए हम लोग अभी उसको मेंटेन कर रहे हैं, ठीक है। द वर्क ऑफ कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ द कल्चर हेरिटेज फॉल्स अंडर द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है। अगर जो इसको आर्कियोलॉजी पढ़ने का है वो करेगा, तो उसको यही सब काम रहता है, मतलब पूरा कल्चर हेरिटेज को संभालना। बिसाइड्स देम इंटैक्ट, दैट इज द इंडियन नेशनल ट्रस्ट ऑफ आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज इज एक्टिवली वर्किंग इन दिस फील्ड। द वर्क ऑफ कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चरल एंड नेचुरल हेरिटेज requires participation of experts from various fields. तो क्या इसमें क्या करते हैं, जो इंटैक्ट में जो लोग काम करते हैं वो एक्सपर्ट्स रहते हैं, तो वो लोग को मालूम है कि जो पुराने बिल्डिंग्स है, पुराने बिल्डिंग्स को किधर, मतलब अगर कुछ टूट रहा है तो वो वापस बिल्ड करने का रहता है, या जो जो जिधर फ्लावर्स रहते हैं तो फ्लावर्स को कैसे कैसे पानी चाहिए, कैसा ट्रीटमेंट चाहिए, तो वो सब ये लोग, ये इंटैक्ट के लोग सब वो संभालते हैं, ठीक है। तो इसमें सिर्फ इंटैक्ट का फुल फॉर्म लिख के लो, समझा तुम लोगों को व्हाट इज कल्चर, द मैनेजमेंट ऑफ कल्चरल एंड नेचुरल हेरिटेज, एवरीवन? हेलो, नहीं समझा तो बोलो, नहीं समझा सर, पर सर तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो यूनेस्को वर्क करता है उसको भी इंटैक्ट ये करेगा ओवर टाइम? नहीं, इंटैक्ट सिर्फ इंडियन है, इंडियन लोग, तो देख यूनेस्को एंड इंटैक्ट वर्क्स टुगेदर। देख अभी यूनेस्को क्या करता है, यूनेस्को बोलेगा कि ये सब करने का जरूरत है, तो इंटैक्ट क्या करेगा, इंटैक्ट बताएगा कि हाँ ठीक है, तो ये सब काम चाहिए, तो मैं ये मतलब देख अभी अगर यूनेस्को बोला कि मुझे फ्लावर हेरिटेज में मुझे कुछ लोग चाहिए, तो इंटैक्ट क्या करेगा, इंटैक्ट फ्लावर हेरिटेज में जो एक्सपर्ट्स है वो लोग को यूनेस्को के साथ काम करने भेजेगा वैसा, ठीक है। तो दे वर्क क्लोजली विद ईच अदर, समझो उनका? लिख के होगा तो मेरे को बता दो, बोल दो नेक्स्ट। हो गया, एक काम करो सबको हो गया तो लीव करके ऑफिस जॉइन हो जाओ, देन आई विल फिनिश द चैप्टर, ठीक है। दो स्लाइड बाकी और वैसे भी लेक्चर एंड ही होने वाला है, तो सबको हो गया लिख के कहना एंड द लेक्चर, एवरीवन डन? हां सर।
वापस सेम लेक्चर पे ज्वाइन करो ठीक है।